आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं टेसल्स। ये ब्लाउज़ के लिए बनेगी और इनकी जो शेप होगी वो होगी हार्ट शेप में। सबसे पहले जिस कपड़े से आप टेसल्स बनाना चाहते हैं उस पर हार्ट ड्रॉ कर लीजिए, फिर उसको कट कर लीजिए। ये इस शेप में एक हार्ट तैयार हो गया। अब बाकी भी इसी शेप में कट कर लीजिए। ये इसी तरह के चार पीस कट कर लीजिए। अब इनको परफेक्ट शेप देने के लिए दो पीसेस को एक साथ रखकर जो एक्स्ट्रा एजेस आ रहे हैं उनको कट कर लीजिए और अब इन पर सिलाई लगा लीजिए। और थोड़ा सा कुछ एरिया ओपन रखना जिससे कि उसके अंदर फिलिंग की जा सके। अब इस तरह से इसके सभी तरफ छोटे छोटे कट लगा लीजिए लेकिन सिलाई को बचाते हुए। अब इसको सीधा कर लीजिए। इसी तरह दूसरे पीस पर भी सिलाई लगा लीजिए। जिस डोरी को हमने इसके साथ अटैच करना है उसको भी इसके ऊपर से रख कर पक्का कर लो। जब हम इसको पलटेंगे तो डोरी अंदर की तरफ चली जाएगी। अब इसको सीधा कर कर इस पे छोटे छोटे कट लगा लीजिए सिलाई को बचाते हुए कि सिलाई में कट ना लगे। अब इस तरह से इसको सीधा कर लीजिए।
अब इसमें छोटे छोटे कपड़े के पीसेस करके वो फिल कर दीजिए, जिसे थोड़ा फ्लफी हो जाए और इसकी जो हार्ट शेप है वो क्लियर दिखने लग जाए। अब इसको सुई की हेल्प से इस तरह से जो साइड हमने खुली छोड़ी थी उसको बंद कर लीजिए। इसी तरह से दूसरा हार्ट भी तैयार कर लीजिए, साइड में सिलाई लगाकर और थोड़ा सा एक साइड इसकी खुली छोड़कर जिसमें आप फिलिंग कर सकें, और डोरी लगाकर। ये देखिए इस तरह की लटकन बन गई है जो मैंने ब्लाउज के साथ अटैच की है। ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है। आप इस तरह से जैसी मर्जी शेप जो आपको पसंद हो दे सकते हैं।